बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 में रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की बात करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन, के बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना ये कहलाएगा नाइट्रेशन, जो है वो कहलाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप का जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। जो बेस्ट सोर्स है नाइट्रेशन का, नाइट्रो ग्रुप का, वो होता है नाइट्रिक एसिड। और इसमें हमारा जो कैटलिस्ट होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो हैं ये आपस में रिएक्शन करेंगे और बना देंगे वाटर प्लस जो है वो बाइसल्फेट और प्लस नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव जो है इट इज़ सेड नाइट्रोनियम आयन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक जो है वो करता होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। चूँकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मिला के केमिकल बॉन्ड जो है वो बना देगा। उसके बाद ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, यानी एक कार्बन छोड़ के जो है वो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हम मज़ीद जो है वो एक कार्बन छोड़ के उसके ऊपर लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बीच में निकल जाएगा H पॉजिटिव आयन की शक्ल में। नाइट्रो ग्रुप है और बीच में से क्या निकल आया? H पॉजिटिव आयन इस बेंजीन में से निकल आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बना हुआ है बाइसल्फेट आयन। ये बेंजीन रिंग से निकलने वाला H पॉजिटिव आयन बाइसल्फेट से मिलके बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हमारा कैटलिस्ट जो है वो दोबारा रीस्टोर जो है वो हो जाएगा। अब इस रिएक्शन के एंड पे आपके पास जो है वो बेंजीन के ऊपर आ गया है नाइट्रो ग्रुप, तो इट इज सेट टू बी अ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बिकॉज इंट्रोडक्शन होगी है किसकी? नाइट्रो ग्रुप की जो है वो इंट्रोडक्शन होगी है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये हो गया क्या? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है ये आपके पास होगी। उसे नेक्स्ट जो है वो हमारा रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक SO3H ग्रुप
ऑन बेंजीन, कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना ये कहलाता है क्या, सल्फोनेशन जो है वो कहलाता है। ये SO3H ग्रुप जो है ये सल्फोनिक ग्रुप हुआ करता है। SO3H ग्रुप क्या है, इट इज सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, तो सल्फोनेशन के लिए जो सल्फोनिक ग्रुप का सोर्स है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4, और कैटलिस्ट भी जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इनका आपस में रिएक्शन होगा, सेल्फ आयनाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में आपके पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन, एक बनेगा बाईसल्फेट आयन और एक बनेगा सल्फीटो आयन। अब सल्फीटो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास सल्फीटो आयन का स्ट्रक्चर होगा, विच इज़ एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और ये अटैकिंग रिएजेंट होगा जो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन हो गया, ये सल्फर जो है ये बॉन्ड बना लेगा बेंजीन की कार्बन के साथ, और इसका पाई बॉन्ड जो है वो एक ये ब्रेक हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी कार्बन के ऊपर, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उससे अगले स्टेप में जो है इस पॉजिटिव चार्ज को हम शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, ओ नेगेटिव यहाँ पे आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा एच पॉजिटिव आयन की शक्ल में। वो निकलने वाला जो एच पॉजिटिव आयन है वो इस बाई सल्फेट से मिलके HSO4-1 से मिलके इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा कैटलिस्ट जो है वो रिस्टोर हो गया। अब आपके पास ये जो बना है जिसके ऊपर S डबल बॉन्ड O ओ नेगेटिव मौजूद है, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोनियम आयन के साथ। इस स्टेप में जो हाइड्रोनियम आयन बना है इसके पास एक हाइड्रोजन जो है वो अजाफी है, ये अपना H पॉजिटिव जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट करके इसको कन्वर्ट कर देगा SO3H ग्रुप में, और प्लस जो है वो वाटर बन गया। अच्छा, अब देखें इसमें कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या ग्रुप आ गया है, SO3H ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर आ गया है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे सल्फोनेशन, इट इज़ दी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन की जो है वो सल्फोनेशन होगी। अगला हमारा रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन्स ऑन बेंजीन, कि बेंजीन के ऊपर हैलोजन्स का इंट्रोड्यूस होना ये कहलाता है क्या, हैलोजिनेशन जो है वो कहलाता है। मसलन क्लोरीन है, इसको हम बेंजीन के ऊपर ऐड करना चाहते हैं, तो हमारा जो कैटलिस्ट होगा वो FeCl3 होगा। तो पहले स्टेप में ये जो क्लोरीन है इसमें ऐड होके इसको कन्वर्ट कर देगी FeCl4 में, और यहाँ पे आपके पास बनेगा Cl पॉजिटिव आयन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था ना, Cl और Cl दो क्लोरीन एटम्स ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इस तरह ब्रेक हुआ कि वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके FeCl3 में क्लोरीन ऐड हो गया, पीछे क्या बच गया, Cl पॉजिटिव बच गया। अब ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये Cl पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद हाइड्रोजन जो है वो बीच में से निकल जाएगा,
हाइड्रोजन निकलेगा एच पॉजिटिव आयन की शक्ल में, और यहाँ पे आपके पास है FeCl4, इसके पास एक क्लोरो अजाफी है, ये इसको दोबारा दे के कन्वर्ट कर देगा HCl में, और साथ में आपके पास बन गया है FeCl3, जो कि हमारा क्या है, कैटलिस्ट था, वो रिस्टोर हो गया। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।